तो दोस्तों टाइगर श्रॉफ की एक बड़ी एक्शन फिल्म यानी कि दोस्तों फिल्म रैम्बो से जुड़ी हमें कुछ बैड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, और इसी के साथ ही यहाँ पर हमें फिल्म रैम्बो से जुड़ी कुछ गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर टाइगर की फिल्म रैम्बो जो कि एक बड़ी और शानदार एक्शन फिल्म है, जो कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइगर की फिल्म रैम्बो जो कि हमें काफी पहले अनाउंस होती हुई दिख गई थी, लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ही यहाँ पर टाइगर जो कि अपनी आने वाली फिल्मों में लग गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फिल्म जो कि हमें कभी भी बनती हुई नहीं दिखी। और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी जानने को मिल गया कि यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर को भी यहाँ पर एक से दो बार चेंज किया गया है। और अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये जानने को मिल रहा है कि यहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन जो कि यहाँ पर फिल्म रैम्बो को डायरेक्ट करने वाले थे, तो जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पर रोहित धवन भी जो कि हमें फिल्म रैम्बो से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, तो जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पर रोहित धवन जो कि अपनी आने वाली फिल्मों में लग गए हैं, और यहाँ पर टाइगर की फिल्म रैम्बो जो कि एक बार फिर से यहाँ पर हमें डब्बा बंद होती हुई दिख रही है। लेकिन अब जैसा कि दोस्तों कुछ न्यूज मूवीज पोर्टल के जरिए यहाँ पर हमें ये जानने को मिल गया कि यहाँ पर टाइगर की फिल्म रैम्बो को यहाँ पर अब डायरेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ आनंद खुद ही, क्योंकि जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो रैम्बो जो कि एक बड़ी एक्शन फिल्म है जिसमें कि काफी ज्यादा बजट भी लगने वाला है, और यहाँ पर इसी के साथ ही फिल्म रैम्बो में काफी ज्यादा CGI के साथ ही VFX भी किया जाना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद जो कि रिस्क ना लेते हुए अब यहाँ पर खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं फिल्म रैम्बो को, लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिल्म रैम्बो जिसे कि यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद, ये तो सिर्फ रूमर्स ही हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इस फिल्म के बारे में यहाँ पर हमें सिद्धार्थ आनंद की न्यूज जो कि कन्फर्म होती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर दोस्तों इसी से ये पक्का हो जाएगा कि फिल्म रैम्बो जो कि कितनी ज्यादा शानदार बनने वाली है। लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फिलहाल तो हमें ये भी जानने को मिल कि यहाँ पर टाइगर की फिल्म रैम्बो को होल्ड पर रख दिया गया है, जो कि हमें आने वाले एक दो मंथ्स के अंदर ही हो सकता है हमें फिर से स्टार्ट होती हुई दिख जाए, यानी कि दोस्तों फिल्म रैम्बो की शूटिंग जो कि हमें एक बार फिर से होती हुई दिख सकती है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर तो ऐसा होता है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हमें फिल्म रैम्बो की अनाउंसमेंट जो कि एक बार फिर से होती हुई दिख सकती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही आप लोगों को ये भी बता दें कि टाइगर की इस फिल्म को होल्ड पर क्यों रखा गया है, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसकी वजह ये भी हो सकती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टाइगर की पिछली दो तीन फिल्मों की परफॉर्मेंस को देख और साथ ही इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी देख, यानी कि दोस्तों टाइगर की फिल्म रैम्बो को इसी वजह से होल्ड पर रखा गया होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइगर को भी जरूरत है एक तगड़े से कमबैक की, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमें होता हुआ दिख सकता है फिल्म रैम्बो से। जैसा कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्मों को देखें, यानी कि दोस्तों वार, पठान और इसी के साथ ही फाइटर को, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये सभी फिल्में जो कि हमें काफी ज्यादा शानदार तो दिखी थी, और इसी के साथ इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जो कि हमें काफी ज्यादा जबरदस्त दिखा है, और इसी के साथ यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन स्टाइल भी जो कि यहाँ पर सभी को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म रैम्बो के लिए यहाँ पर हमें सिद्धार्थ आनंद जो कि एक परफेक्ट डायरेक्टर दिखते हैं, और यहाँ पर इसी के साथ ही सिद्धार्थ आनंद खुद ही जो कि यहाँ पर फिल्म रैम्बो को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इन दिनों तो सिद्धार्थ आनंद जो कि अपने अपकमिंग फिल्म में लगे हुए हैं, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि इसी वजह से रैम्बो को होल्ड पर रख दिया हो। लेकिन जैसा कि दोस्तों अगर यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद जो कि फिल्म रैम्बो को डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ही हमें एक नए डायरेक्टर भी देखने को मिल जाए। लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फिलहाल तो सभी देखना चाहते हैं टाइगर की फिल्म रैम्बो, लेकिन अभी तो यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फिल्म रैम्बो के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही और ऐसी फिल्मों से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें।